हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाके आपके पैन आईडी से आपको लॉगिन करना है। ये है इनकम टैक्स का वेबसाइट। यह रजिस्टर्ड यूजर है तो यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पैन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के ये कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पे आप आओगे, यहाँ व्यू रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। व्यू रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पैन नंबर दिखेगा और ये ड्रॉप डाउन में इनकम टैक्स रिटर्न्स पे आपको क्लिक करके यहाँ सबमिट करना है। जैसे आप वह सबमिट करते हो, ये पेज नेक्स्ट पेज पे आपको यह पूरा हिस्ट्री दिखेगा। अभी तक का आपका जो भी रिफंड रिटर्न स्टेटस है वह यहाँ दिखेगा, हर एक असेसमेंट ईयर के साथ। तो आपको करंट ईयर का असेसमेंट ईयर के एक्नॉलेज नंबर पे क्लिक करना है, बिकॉज ये स्टेटस है सक्सेसफुली ई वेरीफाइड और ये करंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न है। तो एक्नॉलेज नंबर पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्नॉलेज नंबर पे क्लिक करते हो, यह आपको डिटेल्स दिखेगा। असेसमेंट ईयर 1920 दिखेगा और ITR इनकम टैक्स रिटर्न आपने कब फिल किया है उसका डेट दिखेगा। और इनकम टैक्स फिल करने के बाद एक ई वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। वो ई वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है बाय आपके आधार कार्ड से भी आप कर सकते हो, बाय आपके बैंक अकाउंट से भी कर सकते हो। और ई वेरिफाइड होने के बाद यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई आपका ITR एक्सेप्ट किया है। कब एक्सेप्ट किया है उसका डेट है। सो अभी तक एक्सेप्टेड है मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक्सेस किया है, बट अभी तक प्रोसेस नहीं किया है। उसके लिए थोड़ा टाइम जाता है, मे बी सम टाइम 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, डिपेंड्स ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोड। और जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबमिट करता है, ITR प्रोसेस करता है, तो यहाँ उनका स्टेटस यहाँ चेंज होगा। इनकम टैक्स ITR प्रोसेसिंग कंप्लीटेड करके स्टेटस आएगा। अब ये दोनों में मैंने 30 तारीख 30 जून को मैंने ITR फिल्ड किया है और 3 सितंबर को उन्होंने एक्सेप्ट, इट मींस अराउंड टू मोर देन 2.5 मंथ दे टुक टू प्रोसेस इट। सो और यह आपको डेट वाइज सब कुछ पता चलेगा। आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल आएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज भी आएगा प्रोसेसिंग कंप्लीटेड करके। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का ईमेल आईडी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आएगा, सॉरी ईमेल आपके रजिस्टर्ड आईडी पे आएगा। और ई वेरिफिकेशन क्या है? जब आप ITR फिल्ड करते हो उसके बाद इनकम टैक्स वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद ये ग्रीन कलर का विंडो आपको दिखेगा, डैशबोर्ड को ही दिखेगा। और यहाँ पे क्लिक करके आपको वो पेज पे लेके जाएगा जहाँ आपको ई वेरिफिकेशन करना होता है। अभी कोई भी ई वेरिफिकेशन बाकी नहीं है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको काम आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन, सो आपको इस तरह के वीडियो का अपडेट्स आते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।